हेलो गाइस, अब देखो एनआईटी लिमिटेड में हमें करना क्या है। एनआईटी लिमिटेड में बहुत सारे लोग ये 600 के आसपास फंसे पड़े। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी बनती है, दो पॉसिबिलिटी आपको सोच समझ के यूज़ करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो। जिन जो लोग फंसे पड़े और जिनको ऐसा लगता है कि हमने ये रैली मिस कर दी थी, उनके लिए अब आज के दिन गैप डाउन होता है और कैंडल नीचे ऑलमोस्ट 7% डाउन है एनआईटी लिमिटेड का शेयर। ये वीकली चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ। अब इसने रिसेंट जो बॉटम बनाया था वो ये लेवल के आसपास बनाया था, जो कि 332 के आसपास है। तो हमें करना क्या है इसमें, अब ये लेवल पे जिनके ऊपर की बाइंग है, ध्यान से सुनो, जिनकी ऊपर की बाइंग है उन्होंने आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 325 रुपए का। 325 का स्टॉप लॉस रखना है, पोजिशन होल्ड करनी है। और जिनके पास ये शेयर नहीं है उन्होंने अभी से बाइंग करना है। यहाँ से आप बाय करोगे, कहाँ तक बाय करोगे, इसको 300 तक बाइंग करना है। तो 50 पॉइंट्स आपको क्वेश्चन रहेगा, नीचे जैसे जैसे नीचे आता है उसको बाय करते चलना हमें। और आपका उस केस में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 290 का, 290 का आपका होना चाहिए स्टॉप लॉस। तो ये एक स्ट्रैटेजी बनती है, जिनके पास है उन्होंने स्टॉप लॉस रखना है, क्योंकि कंपनी बहुत बढ़िया है। इनका अगर मैं ओवरऑल देखा, जो टिकर टिप पे देख लेते, चलो टिकर टिप पे देखते तो इंट्रेंसिक वैल्यू हाई बता रहे, पर बाकी कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। डिविडेंड अच्छी देती है कंपनी, देखो डिविडेंड रिटर्न्स ग्रीन में है। रिटर्न वर्सेस एफडी में भी ये कंपनी प्रॉपर है, एंट्री पॉइंट सही है। और 100% एनालिस्ट यहाँ पे कवर कर रहे कि इसको आप बाय करके होल्ड करके चल सकते हो। स्टॉक का P23 का एक काफ़ी अच्छा पी लेवल पे ये अभी ट्रेड कर रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसे आप बाय करके होल्ड कर चल सकते हो। अब इसमें इंपॉर्टेंट देखो क्या है, शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में एफआईआईज ने इतनी हेवी सेलिंग की पर फिर भी इसके पास 21.48% है। तो एफआई स्ट्रांग होल्डिंग है। यहाँ डीआईज ने हिस्सेदारी अपनी बढ़ाई है, 11.66 से 12.14 कर दिए। तो डीआईआईज इसमें स्ट्रांग है, एफआई इसमें अच्छी पोजीशन लेके बैठे। अगर इनका ही कैलकुलेशन किया जाए तो 35, 45, 55, 65 और ऑलमोस्ट 70% इनके पास है और 30% पब्लिक के पास, या गवर्नमेंट 0.1% 0.01% होल्ड करती है। तो 70% प्रमोटर्स एफआईआईज और डीआईज के पास है। तो ये है एनआईटी लिमिटेड का स्ट्रक्चर। अब इसमें मैं आपको एक और एक बात बताऊंगा जो कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको दे सकती है। पहले तो पॉजिटिव बात बोलेंगे, नेट कैश फ्लोज 131 करोड़ पॉजिटिव, बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव। अच्छी खासी कंपनी कैश रिच है, अपने सेक्टर की लीडर है, मार्केट कैप के हिसाब से अच्छा मार्केट कैप है। अब या देखो, एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, ये भी पॉजिटिव बात है। 39 के सीएजीआर से ग्रो कर रही लास्ट 5 ईयर से, ये पॉजिटिव होगा। डिविडेंड पे आउट अच्छा खासा, ऑलमोस्ट 18% का डिविडेंड पे आउट है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये अब यहां बनने जा रहा है इसका डेथ क्रॉसओवर। ये 50 डीएमए की लाइन है येलो कलर की, ये अगर ये 200 डीएमए को ऊपर से क्रॉस करती तो इसमें डेथ क्रॉसओवर बनता है, तो शेयर में बहुत ज्यादा गिरावट आती है। पर इसमें कैच है, कैच ऐसा है कि जब जब भी ये ऐसा सिचुएशन बनता है शेयर रिवर्स चल जाता है, ऊपर की तरफ ये ब्रेकआउट दे देता है। अगर ये केस होती है तो एनआईटी लिमिटेड यहाँ से घूमना चाहिए। इसलिए मैंने क्या बोला, जिनके पास है उन्होंने अभी भी होल्ड करना है, और जिनके पास नहीं है वो यहाँ से बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये कैच होता है, आपको अगर चार्ट समझ में आता है तो आप समझ सकते हो। बहुत बार होता है यहाँ से घूम जाता है। और आज के दिन में देखो आईटी के शेयर में जो आईटी इंडेक्स 3.17% अप है, ये एक पॉजिटिव बात होती है, आईटी इंडेक्स अप है तो इसे आप होल्ड करके चल सकते हो। अच्छा शेयर है फंडामेंटली। ऊपर हम टारगेट क्या रखेंगे इसके लिए, ऊपर फर्स्ट टारगेट रहेगा इस ये शेयर के लिए, ऊपर फर्स्ट टारगेट रहेगा 489। 489 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, तो यहाँ से भी आपको 100 पॉइंट्स मिलेंगे। उसके लिए एनआईटी लिमिटेड होल्ड करके चलना आपको।